अगर प्रखंड को है जगह सबसे उदाहरण से आगे ठेन हरदास मिला कि अभी सामने है माझी और परगना को है जगह उनको मां इससे जरूर ना अभी महाराष्ट्र के प्रतिनिधिगण अपना मेमोरेंडम को हमारे मुख्य अतिथि संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी मंच के आदिवासी मुद्दों के स्थायी मंच के उपाध्यक्ष श्री सुमन चौधरी को ज्ञापन सौंपते हैं। यह महाराष्ट्र से आए हुए हमारे साथ में अभी जो ग्राम सभा के सदस्य आ रहे हैं, जो स्वर में प्रवेश कर रहे हैं, उनको भी मंच ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। शाम को माँ मंचों पर सत्यपुत्र हरे हरे लक्षा ने जोहार। रविंद्र बास्के इसके सूत्र के हिंदुआ और हर थोड़ा मजी बाबा ने सूत्र बिना दिए विक्रम प्रमु मजी बाबा संथाल ने अविंद इसके सूत्र से हिंदू नवीन चेष्ट है सालों पापर मजी बाबा अविंद इसके सूत्र से हिंदू नवीन चेष्ट है अपना अविंद्र बाबा नितम जहाँ नवा ग्राम सभा ने बहार मिसिल को हिजू करना नवाए गेट सो रहे हैं मुझे आपको फोन इसी ले रहे हैं सिर्मा। इसके बाद जो अभी आपके सामने में जो हमारे जो आदिवासी मामलों को लेकर के छत्तीसगढ़ में आंदोलन रहा है उस आंदोलनकारी जो विगत 10 सालों से आदिवासियों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं तो वो यहाँ को नमकिन दो उनकी नौर पे अब समंदर के गौड़िया जहाँ के विपरीत परिस्थिति रहे पर विपरीत परिस्थिति रहे आदिवासी को उन्हें की कमी या आदिवासियों की उपस्थिति नहा चाहे आपको उन्हें नहा चाहता लगे अब व्यवस्था बन जाओगे इस तरीके का जगत माता नमकिन नित्य बचना नमकिन उन्हें की गौर आदिवासी का रखें और तेन समान को सराहो ऐसा करते तेन जो भारत का प्रेमिक आज झारखंड के पवन धरा पार्टी में आदिवासी महासभा भारत के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पे 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और आज के कार्यक्रम के हमारे चीफ गेस्ट हैं जमाल
सुमान चौधरी जी, सही कार्ड संघ परमानेंट फोरम के मेंबर और ट्राइबल इश्यूज के वाइस चेयर और साथ ही इस मंच पे विराजे आदिवासी महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष हुजूर सर जी, पदम श्री सुमेन उराव जी एवं आप सभी आदिवासी समाज के सगर जनों, आप सबको 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां एवं स्वागत। साथियों, छत्तीसगढ़ की बस्तर के पवित्र आदिवासी समुदाय की नारगढ़ व्यवस्था के बारे में, एक नारगढ़ व्यवस्था अर्थात नार मतलब होता है गांव, उस गांव की व्यवस्था के बारे में आप सबके बीच में उस व्यवस्था को रखने का अवसर प्रदान किया गया है। उस नारगढ़ व्यवस्था को समझने से पहले, उस गांव की गांव का राज्य को समझने से पहले आदिवासियों की जनजनगर जमीन के मालिकाना अधिकार को समझने से पहले उस महान संस्कृति से शासित होने वाले आदिवासी समाज की कुछ झलकियां आपके समक्ष में छत्तीसगढ़ दौरे में गए सम्मानी फुलमेश चौधरी देवी नाम एक संस्कृति के पद दिया गया है, उस पद को आज आदिवासी महासभा के इस मंच में मैं रखना चाहूंगा आप सभी के बीच में। बस्तर विजिट में गए फुलमेश चौधरी जी का बस्तर के पवित्र जनजाति के द्वारा दोतरों के आदिवासियों की दुनिया की प्रथम पाठशाला, दुनिया की संस्कृति की प्रथम शिक्षा का केंद्र जिसे गुरुकुल कहा जाता है और झारखंड में उसे दुमकुरिया कहा जाता है, उस दुमकुरिया प्रवेश पर फुलमेश चौधरी जी का वहां के युवक युवतियों द्वारा गुरुकुल के दुमकुरिया के नया लेवल द्वारा नाम की उपाधि दी गई, उस नाम की उपाधि है फुलमेश चौधरी। नाम अब तक लिखा जाता था, अब फुलमेश चौधरी लिखने से पहले उस गोकुल का मुखिया अर्थात इंटरनेशनल लेवल के हमारे आदिवासी समाज के मुखिया सिरदार फुलमन चौधरी जी लिखा जाएगा, ऐसा नाम उस गोकुल महान संस्कृति अर्थात दुमकुरिया में हुआ है। साथ ही पिछले साल 2016 में युवाओं के कैडर कैंप में, एविकस कैडर कैंप में पधारे आदिवासी महासभा के चीफ रहे श्रीमान विजय खुदन, उसका भी नाम विजय खुदन लिखा जाता था, अब दुमकुरिया का परमानेंट उसका नाम दिया गया है जिसका नाम है मुखवान विजय खुदन जी, मुखवान सब गुजरात किया गया है क्योंकि आप भारत देश में आदिवासियों के नेतृत्व करते हैं, इसे आप भारत देश में आदिवासियों का मुखिया है और इंटरनेशनल लेवल पे आप वाइस चेयर है आदिवासियों के, इसलिए आपको इंटरनेशनल लेवल का नाम दिया गया है सिद्धार्थ। और साथ ही उसके बीच में एक बहन थी श्रीमान पविता कच्छप जी, आप भी गटर कैंप में उपस्थित हैं, इसलिए गोकुल के नाम आपको भी बेलोसा के नाम से नवाजा गया है, जो युवतियों का प्रमुख हेड होता है आपको बेलोसा के नाम से नवाजा गया है, आज बेलोसा पविता कच्छ नाम से जाना जाए ऐसा महासभा में ये नाम अनाउंस किया जाता है। और उसी संस्कृति के महान आप सब धनी, मैं गोकुल सबको 5 मिनट में संबोधित उसे परिभाषित करने का प्रयास करूंगा। जिसको हम गांव गढ़ राज्य बोलते हैं वो गांव गढ़ राज्य हम आदिवासियों का मालिकाना अधिकार कैसे है इस पर थोड़ा सा जानना चाहूंगा। आदिवासी समाज के लोगों, जिस दिन से दुनिया का उत्पत्ति हुआ उस दिन से हम आदिवासी समाज में इस हमारे पूर्वजों की जन्म इस धरती पे हुआ और इस धरती पे उठते इस जंगल को काट करके सबसे पहले हम लोगों ने आग जलाकर उसको मैदान किया और मैदान करके हम लोगों ने सबसे पहले धरती माँ के नाम से पत्थर गढ़ करके उस गांव की स्थापना की, उस गांव में हम लोगों ने रहने के लिए घर बनाया, जमीन काट जंगल काट कर हम लोगों ने मैदान बनाया और मैदान बनाकर हम लोगों ने घर बनाया और घर बना करके उस गांव को सबसे पहले हम लोगों ने उस गांव को एक एरिया में एक गांव की रेखा में हम लोगों ने सबसे पहले उसे एक एरिया का मापदंड किया। दुनिया की कोई भी शासन व्यवस्था नहीं थी, उससे कई हजारों लाखों साल पहले मैंने अपने गांव का एक नक्शा बनाया और उसे एक गांव का नाम घोषित किया और उस गांव का मुखिया होता था माझी और गायता। उस गायता ने सबसे पहले उस गांव को बसाया, उस आदिवासी ने सबसे पहले जंगल को काट कर गांव बनाया, इसलिए वो
बात कर रहा हूँ।